ले 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 ओ मोरे लड्डू पैसे दे के ले ले मोरे लड्डू। अरे ले लो लाल लाल गोल गोल मीठे मीठे लड्डू ले लो। अरे आपके ये लड्डू कितने सुंदर और लाजवाब हैं। क्यों है ना? मुझे लड्डू बहुत पसंद है, क्या मैं कुछ लड्डू ले सकती हूँ? क्यों नहीं, पैसे दो और ले जाओ, जितने चाहिए उतने। हम तो देने के लिए ही बैठे हैं इधर। मेरे पास तो पैसे नहीं है, क्या मैं एक लड्डू चख सकती हूँ प्लीज? बिल्कुल नहीं, हम यहाँ मुफ्त में बांटने के लिए तो नहीं बैठे हैं। जाओ यहाँ से, धंधे का टाइम खोटी मत करो, चली जाओ अभी। फिर प्याज ने लड्डू और कुछ मिठाइयों की तरफ देखा और दुखी होके वो अपने घर वापस चली गई। अरे कैप्सिकम जी, बताइए क्या हाल चाल, आज कौन सी मिठाई पैक कर दूँ आपके लिए, बोलिए। हमें ये वाले पेड़े थोड़े पैक कर दीजिए प्लीज। ये लीजिए ये लीजिए। धन्यवाद आलू जी, आती हूँ। अरे दोबारा आना जरूर। अरे आलू जी, हमें ये तो लड्डू पैक कर दीजिए। अरे सिर्फ दो क्यों आज? हाँ? अरे ये हमारे लिए नहीं, रास्ते में हमने प्यास को रोते हुए देखा, उसे लड्डू खाने थे इसलिए। अरे मैं उस प्यास को अच्छे से जानता हूँ, वो सिर्फ फ्री की चीजों के लिए हर वक्त रोती रहती है। हाँ? ऐसा नहीं है, वो दिल की बहुत साफ और अच्छी है। जो भी, ये लो आपके लड्डू। दुकान से घर आते समय आलू बहुत जोर से गिर जाता है और उसे बहुत जोर की चोट लग जाती है। उई माँ, आलू को गिरा हुआ देख प्यास भाग के आती है, उसे उठाकर उसकी मलम पट्टी करने लग जाती है। हमने तुम्हें लड्डू नहीं दिए और तुमने हमारी मदद की, क्यों? सिर्फ एक लड्डू की वजह से मैं किसी को दर्द में तो नहीं देख सकती ना। आलू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मुझे माफ कर दो, अब ये सारी मिठाई तुम्हारे लिए, बस अब तो तुम खुश। सच में ये अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना ऐसी कहानी पाने के लिए। ठीक है, चलते हैं, बाय बाय।